नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे आज की ताजा अपडेट्स। हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे इस एक वीडियो में, लगातार साथ में बने रहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि किसानों की मांगे जायज हैं, सही हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट फार्मर्स। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से संबंधित। किसानों की सरकार संघ बैठक बेनतीजा, दिल्ली कूच के बीच किसानों का भारत बंद। आज कई ट्रक और ट्रेड यूनियन भी शामिल हुए। एक तरफ पंजाब के किसान हैं जो दिल्ली कूच करने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों से भिड़ रहे हैं। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा 16 फरवरी यानी कि आज भारत बंद करने जा रहा है। भारत बंद में पंजाब के किसानों के साथ देश के सभी किसान यूनियन जुड़ेंगी। ऐसे में पंजाब से लेके हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक, यहाँ पे बंद का असर देखने को मिलेगा। बताते चाहें दोस्तों, यहाँ पे सरकार के साथ जो किसान संगठनों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी थी, वह फेल हो गई। और यहाँ पे किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वह दिल्ली कूच करने का प्लान बना रहे हैं। ट्रक और ट्रेड यूनियन ने भी किसानों को समर्थन दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश कर गई है। प्रियंका गांधी आज चंदौली में करेंगी न्याय यात्रा का स्वागत। कांग्रेसी दावा 2.5 लाख लोग होंगे शामिल। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चंदौली के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। कांग्रेस ने चंदौली, वाराणसी और भदोही में तैयारियों को अंतिम रूप दिया और यहां पे जनसंपर्क अभियान भी चलता रहा। जानकारी के लिए आपको बताते चले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि इंडिया गठबंधन से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बनारस में यात्रा में शामिल होंगे। यहाँ पे कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया कि बनारस की यात्रा में जनता की भीड़ 2 से 2.5 लाख के बीच रहेगी। बड़ी अपडेट, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की 10 तक गाजीपुर बॉर्डर पर 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी किसान हिरासत में लिए गए हैं। वहीं दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यहाँ पे किसान संगठनों की महापंचायत बुलाई है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे जायज है और अगर सरकार नहीं मानी तो हम भी इस आंदोलन में कूद पड़ेंगे। ये राकेश टिकैत का बयान आया है। राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला। देश ना बिकने दूंगा कहने वाले नरेंद्र मोदी ने चंदे के लिए बेच दिए एयरपोर्ट, माइंस और जमीन। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में ही इसे एक बड़ा घोटाला करार दिया था। उनका पुराना बयान वायरल हो रहा सोशल मीडिया पे। राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड योजना और किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश नहीं बिकने देने का नारा देने वाले हर संसाधन बेचने को तैयार है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने शेयर किया कि सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो। सस्ते में यहाँ पे खदाने बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो। सस्ते में जमीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो। आगे लिखा कि मगर किसान अपनी फसल पर एमएसपी मूल्य की भी यहाँ पे मांग ना करे, क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं देता है। अजीब विडंबना है। राहुल गांधी का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है। बड़ी खबर दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन मिला और इनकी पार्टी ने यहाँ पे इंडिया गठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे साथ एनडीए का कोई वास्ता नहीं है, ना ही हम आगे जाकर एनडीए के साथ आएंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक इंडिया गठबंधन को छोड़ने की बात है तो मैं साफ कर दूं कि इंडिया गठबंधन के पास पहले से ही 3 सीटें हैं। हमारा मकसद भाजपा को रोकना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट आई है। तो दूसरी तरफ आपको बताते चले, अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है, स्पीकर राहुल नार्वेकर का बड़ा फैसला। जैसा कि स्पीकर ने शिवसेना विवाद में फैसला दिया था सिंधे गुट के पक्ष में, वैसे ही स्पीकर ने अब अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला दिया है। एनसीपी मामले पर स्पीकर ने सुनवाई पूरी की और अपना फैसला दिया। शरद गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर का झटका। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला दिया कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। यहाँ पे अजीत पवार के पास 41 विधायकों का विधायी बहुमत है। ये स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कई टिप्पणियां की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला। बोले, मोदी ये आखिरी इलेक्शन करवाएंगे, इसके बाद संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला।
औरंगाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार यहां पे लगातार लोकतंत्र को समाप्त करने के काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी नीत केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाही पक्षधार करार दिया और कहा कि आज तक ऐसी सरकार नहीं आई है, इतनी तानाशाही हो रही है इस सरकार में। और वहीं अब बिहार के सीएम पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले तो गरीबों से वादा किया, उनसे वोट लिया और फिर गरीबों को लूटने वाली पार्टी में घुस गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के तो इस्तीफे की मांग ही कर दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। स्वामी ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी बोले कि मुझे लगता है कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड यहां पे बड़ा भ्रष्टाचार साबित हुआ है, एक बड़ा घोटाला बन गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। वहीं किसान आंदोलन पर सत्यपाल मलिक भी अब सामने निकल के आए हैं, एक के बाद एक बड़े बयान आ रहे हैं। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का खुलासा, अडानी का सारा बिजनेस दुबई से चलता है, इसलिए मोदी अब तक 7 बार दुबई गए। किसानों को MSP नहीं देंगे क्योंकि इससे अडानी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अडानी ने पानीपत में बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है। कोई बीजेपी नेता अब सामने आके कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, ना ही कोई यहाँ पे बयान दे रहा है। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले ने यहाँ पे मोदी जी की नोटबंदी कर दी है। चुनावी बॉन्ड योजना रद्द होने से बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। अब सभी की लिस्ट जारी की जाएगी, जिसने जिसने चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए बीजेपी को पैसा दिया या किसी अन्य पार्टी को। तो वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पे SY कुरैशी, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, SY कुरैशी ने कहा पिछले 5 से 7 सालों में सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मामले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें मिला ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। SY कुरैशी ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए चुनाव की पोल भी खोली है और बैलेट पेपर को सही बताया है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी न्याय यात्रा के तहत 17 फरवरी को यूपी के भदोही पहुंचेंगे। भदोही में राहुल गांधी के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया था ठहरने के लिए, अब वहां पे अनुमति नहीं मिली है, जिसके बाद वहां खेत में रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस नेतृत्व ने जिला प्रशासन से पहले ही कह दिया था कि वे जिले के ज्ञानपुर क्षेत्र में स्थित विभूति नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में ठहरना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। बताया गया कि इसे यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। यह परीक्षा 17-18 फरवरी को 2 पालियों में होनी है। ये मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।